हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ माना। वेलकम टू मूवी शो वी। बहुत से ब्रांड्स जो होते हैं वो एक सैक्रोसैंट सी पोस्ट डालते हैं जब कोई ओकेजन्स होते हैं। तो कोई ओकेजन आया, जैसे दिवाली, दशहरा आया, या फिर कोई मोन्यूमेंटल चीज़ आई, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ वो पोस्ट डाल देते हैं। वो एक रिचुअल सा हो जाता है, और उस रिचुअल के अंदर यूजुअली आप देखते हैं कि ब्रांड्स इसको चलाए जा रहे हैं, चाहे वो पेप्सी कोला, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट टेक्निकली वो इस तरीके की चीज़ें डालते हैं। वुमेंस डे के ऊपर भी आपने देखा होगा बहुत से ब्रांड्स जो ये बिलीव करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट में, वुमेन पावर में, और ऐसी नारी शक्ति के अंदर जो शायद मेन से भी आगे जा सकती है अपनी सहनशीलता से और अपने वो जो होता है ना मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी की वजह से। अब दोस्तों, मैंने पहली बार देखा है कि किसी फिल्म के अंदर भी इस तरीके का इंटीग्रेशन हो और वो अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझा भी पाए। तो KGF चैप्टर 2 का एक नया पोस्टर आया है, जिसके अंदर जितनी भी लीडिंग लेडीज़ हैं वहाँ पर, जिनका भी कुछ भी कंट्रीब्यूशन रहा है किसी की भी लाइफ के अंदर, इसके अंदर चाहे वो विलन की माँ क्यों ना हो, चाहे वो हीरो की माँ क्यों ना हो, चाहे वो पॉलिटिशियन क्यों ना हो, आप इनके चेहरे तो नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि मूवी अभी रिलीज़ नहीं हुई है, तो इनका क्या रोल होगा आप ज़्यादा नहीं बता सकते। बट इन्होंने विद ड्यू रिस्पेक्ट लिखा है टू ऑल द वुमेन, और उनका यहाँ पर उन्होंने शक्ल लगाई है एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेंथ। उन्होंने बोला, यू लव, यू सैक्रीफाइस, यू केयर, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू आर फियर्स, यू आर पावरफुल, यू आर क्रिएटर, एंड देयर फोर यू आर ऑल्सो द यूनिवर्स सल्यूटिंग देम ऑल। तो इस तरीके का बहुत ही अच्छा तरीके का उन्होंने नोट लिखा है, जहाँ पर उन्होंने सारी वुमेन को रिस्पेक्ट दी है, और साइड में एक हैशटैग से उन्होंने साइन ऑफ भी किया, हैप्पी वुमेंस डे। पहली बार किसी मूवी ने अपने आप को ब्रांड समझ के ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करी गई है कि हम भी वुमेन को रिस्पेक्ट करते हैं, और कमिंग फ्रॉम KGF इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट। अब आपका सवाल होगा क्यों? देखो, जो KGF है उसके अंदर पूरा हीरोइज्म से भरा हुआ है। एक हीरो सबकी चटनी बना देता है, यानी रॉकिंग स्टार यश। अगर वहाँ पर एक जैसे कहते हैं ना मेन ओरिएंटेड मूवी, जिसके अंदर सिर्फ आदमी आदमी लड़ रहे हैं एक दूसरे से, और सत्ता की लड़ाई या फिर पावर की लड़ाई, वहाँ पर अगर वुमेन को रिस्पेक्ट दी जाती है तो सुपर इंटीग्रेशन हो जाता है, और यहाँ पर स्टोरी का लिंकेज भी बनता है। क्योंकि पार्ट वन में हमने देखा था कि क्योंकि उसने अपनी माँ को वादा किया होता है रॉकिंग स्टार यश ने, रॉकी भाई ने, इसीलिए वो ये दुनिया जीतना चाहता है। तो बहुत अच्छी इंटीग्रेशन है, मुझे बहुत बढ़िया लगी। आपके क्या विचार हैं इसके ऊपर कमेंट करके ज़रूर बताना, कैसी लगी आपको ये इंटीग्रेशन?